ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया गया। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस तिथि पर मां गंगा सहित सभी पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने की परंपरा है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। 9 जून को गंगा दशहरे का पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा के शुभ मौके पर मां नर्मदा तट ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और पूजन करने के पश्चात दान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर मां गंगा सहित पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से मनुष्य को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमने आज अशान माता की पूजा की है गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में, और माता से सबके सौभाग्य की कामना करते हैं कि सबका सौभाग्य अमर रखे, माता सबको सुहागन रखे। आज मां गंगा की कृपा से आज गंगा जी का जन्मदिन है। जिस प्रकार अपन मां नर्मदा मैया का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार आज इलाहाबाद प्रयागराज जहाँ जहाँ गंगा जी हैं उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये भीड़ आप जो देख रहे हैं, आज ऐसा नर्मदा मैया की कृपा से गंगा जी का जन्मदिन होने से जो लोग गंगा जी नहीं पहुँच पा रहे हैं वो यहाँ आकर के स्नान करने से गंगा जी का फल प्राप्त कर रहे हैं यहाँ आकर के गंगा दशहरा में। इसलिए गंगा दशहरा के दिन जो लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं उनको गंगा जी का फल मिलता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ज्योतिषाचार्यों और शास्त्रों के मुताबिक गंगा दशहरा के दिन पूजा पाठ और मांगलिक कार्य पूर्णतः सफल माने जाते हैं। इस शुभ घड़ी में स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है।